आप देखते हैं इस वक्त हर्ष प्रकाश को, जैसे कि आप सभी को पता है कि उनका चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव हो चुके हैं, जहाँ पर 24 को मतदान हुआ था और 27 को रिजल्ट आया था, जिसमें 14 सीटें आप पार्टी की आई तो वहीं 12 बीजेपी की और 8 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई, जिसमें से 1 अकाली दल की आई है। जबकि आज हम खड़े हैं इस वक्त एमसी हाउस में चंडीगढ़ के, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो मेयर चुने गए हैं आम पार्टी की तरफ से, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर आज हम आपसे उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनका क्या कुछ कहना है। आइए सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपको उन्होंने मेयर के पद के लिए सेलेक्ट किया है, आम पार्टी ने आपको भरोसा जताया है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, उसके बाद ये पार्टी ने जो मेरे पे विश्वास जताया है मैं उसके लिए बहुत थैंक्स करती हूँ और ये गारंटी देती हूँ कि ये वाला पद भी हम जीत के दिखाएंगे। जैसे फर्स्ट टाइम एमसी के इलेक्शंस में आने पे 14 हमारी सीटें आई हैं, उसे माइलस्टोन का काम किया, आगे पंजाब में भी और ये सब जगह आम आदमी पार्टी की लहर दौड़ रही है और इसका नतीजा आप देखेंगे। अंजुकत्याल जी, जैसे कि आपने देखा ही होगा जहाँ पहले आप पार्टी की 24 सीट थी और जहाँ बीजेपी की 12 सीट थी, तो सांसद की एक वोटर के रूप से 13 हो गई, क्योंकि बगला जी अभी भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो यानी कि मुकाबला बराबर चक्कर का हो गया है, तो आप इससे ऊपर इसको किस तरीके से ऊपर निकलेंगे? हम ये देखें कि जनता का डिसीज़न क्या था, हमारी 14 सीट्स आई उनकी 12 आई, जोड़ तोड़ के वो जो मर्जी करें ये जनता का डिसीज़न था, वो सामने नज़र आ रहा है। चलिए अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सीनियर डिप्टी मेयर प्रेम लता जी से, उनका क्या कुछ कहना है। मैम आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपको सीनियर डिप्टी मेयर के लिए चुना गया है आप आज की आम आदमी पार्टी के 14 मेंबर हैं, तीन अगर मेंबर को चुना गया तो हम तीनों के तीनों सीटों पर टिकट रखा हुआ था, पीछे दिल्ली टूर भी लगा के आए हैं, अब इलेक्शन है, किस तरह से देख रहे हैं कैंडिडेट? ऐसे अपोजिशन वाले जो रिमर मर्जी उड़ाते रहे, आपके सामने सारे 14 के 14 खड़े हैं और अनैनिमसली हमने मेयर डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर की हमने सिलेक्शन किया, सबके सबसे पूछ के आपके सामने सब खड़े हैं, वो सब खुश हैं। तो राह अब आसान नहीं रही है मेयर इलेक्शन? नहीं, 14 प्लस 14 ना, तो मैंडेट किसको मिला है? आम आदमी पार्टी को मिला ना, इक्वल है मतलब? नहीं, पब्लिक का मैंडेट है जो आम आदमी पार्टी का, आप दल बदल करके आप एक काउंसलर को इधर ले आते हो और कांग्रेस और जो बीजेपी है मिलके अगर आम आदमी पार्टी को बाहर करना चाहते हो तो इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता ना, जनता देख रही है, जनता को पता है और ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति है वो हम नहीं चाहते कि चंडीगढ़ में हो कम से कम। अच्छा, कांग्रेस इस इलेक्शन में भाग ही नहीं ले रही है, आप कह रहे थे कि देश हित में उन्हें समर्थन? नहीं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ में समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अब्सटेन करने का मतलब वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी कोई बात हुई सुभाष चावला जी से कि आपने? नहीं, हम तो सबको ओपनली कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर हिस्सल बनना चाहिए और हमारा काम देखें और काम देख के हमें सपोर्ट करें। अगर ऐसी बनती है जैसे कहा जा रहा है कि एक्ट के अकॉर्डिंग अगर क्लैश होता है तो टॉस होएगा, तो आपको वो तो जो अब गवर्नर साहब फैसला करेंगे वही होगा, उसमें हम तो कुछ कमेंट नहीं दे सकते, लेकिन ये पक्का है कि अगर रीपोलिंग होती है तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी सारी सीटों पर काफ़ी जाओ। एंड मोमेंट तक आपके पार्षदों से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी बीजेपी या कांग्रेस के? कर रहे हैं, देखो इसका इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं होता, कल को आप कहोगे सबूत कहाँ पे है, लेकिन हमारे सारे पार्षदों को बहुत बहुत लालच देने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम नाम नहीं ले सकते, हम ऐसा कुछ पब्लिकली नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे सब पार्षदों को किसी न किसी तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलने की कोशिश की जा रही है। और जो बबला जी के एलिगेशन थे पहले ही आप नकार चुके हैं, लेकिन बबला जी के एलिगेशन को किस तरह से देखते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? नहीं, उनका वो बताया ना कि मैंने तो बताया कि वो कहते हैं नोटों की गड्डियां लेके मेरे पास आए थे, तो कौन से नोटों की गड्डियां थी, 100 रुपये के थे, 10 रुपये के थे, 500 के थे, कौन से नोटों की गड्डियां थी, उनके घरों में कैमरे लगे हुए दिखाएं कि एक नोटों की गड्डियां कहां पकड़ा रहे थे, किसको पकड़ा रहे थे। चलिए अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डिप्टी मेयर जी से, उनका क्या कुछ कहना है आप पार्टी की ओर से? रामपाल सर, सर मैंने आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको आप पार्टी ने 14 पार्षद के उनमें से आप डिप्टी मेयर के पद के लिए चुना गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है नहीं निभाएगी, आम आदमी पार्टी के लोगों ने विश्वास किया है, इसका रिजल्ट था 14 से लोग जीते हैं। सबसे अगर बात करें आज नॉमिनेशन के लिए, आज लास्ट डे है, 5 बजे के बाद फैसला हो जाएगा चंडीगढ़ का नगर निगम।
आदमी पार्टी का। ओके जी, लेट्स मूव नाउ प्लीज, थैंक यू। जैसा कि आपने सुना ही होगा, आगे भी ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।